नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर सीखो हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी है रेडमी का मोबाइल जिसका मॉडल नंबर रेडमी नोट 5 प्रो और आपको दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आपकी कोई कॉल आती है तो वो ऑटोमेटिक ओके हो जाती है, तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ओपन करना है अपने फ़ोन के डायलर पैड को, जहाँ से आप कॉल करते हैं तो इसको आपको ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर मिलेंगे 3 लाइन्स, तो आपको इसको टच करके ओपन कर लेना है फ्रेंड्स इस तरीके से। तो देखेंगे जैसे कि आप फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेटिंग का और आइडेंटिफाई फोन नंबर का। तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे टच करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको स्लाइड करना है पेज को ऊपर की तरफ, तो इधर मिलेगा आपको ऑटो आंसर का एक ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डिले 3 सेकेंड, जैसे ही 3 सेकेंड से ऊपर होगा तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा, आपके कॉल ओके हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से इसको ऑफ कर देना है इस तरीके से और फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर आपका कॉल ऑटोमेटिक ओके नहीं होगा। तो ये ऑटो आंसरिंग वाला मोड हमने ऑफ कर लिया फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।